हुकूमत की तरफ से खजाने पर बोझ बनने वाले दारों की बंदिश के इकदाम पर मुलाजमीन रुकावट बन गए। PWD के बाद यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को बंद करने के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन सरपा एहतजाज हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं यासर नजर। जी बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत इदारों की निजकारी कर रही है, निजकारी करने के साथ साथ वो इदारे ख़ास तौर पे जैसे हुकूमत ने PWD को बंद किया तो उसके बाद एहतजाज जो है वो जारी है। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो है उनके मुलाजमीन भी पूरे मुल्क भर से जमा है और उनकी तरफ से जो एहतजाज है गुज़श्ता रोज़ भी जारी रहा, आज भी उनकी तरफ से एहतजाज जो है वो जारी रखने का ऐलान किया गया था। एक तरफ तो हुकूमत ये चाह रही है कि जो इदारे हैं इनको ख़त्म करके या इनको दोबारा मुकम्मल तौर पर रीसेट किया जाए और इनके अखराजात और मुलाजमीन की जो एक बहुत बड़ी तादाद है इनको कम या गोल्डन एंड शेक दे के ख़त्म किया जाए। तो दूसरी तरफ जू जू ये खबरें आ रही हैं इदारों को जिस तरह यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को ख़त्म करने के हवाले से, तो इनका एहतजाज जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। तो शहर इकतदार एक तरफ सियासी दर्जा हरारत गर्म है तो दूसरी तरफ जो इदारों की निजकारी करने के साथ साथ इदारों को ख़त्म करने के हवाले से जो इकदामात हुकूमत कर रही है या ज़म करने के हवाले से कर रही है तो इस पर एहतजाज जो है वो भी जारी है। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो इस्लामाबाद में नज़र आ रहा है और अभी भी यही सूरत हाल है कि आज भी एहतजाज जो है वो जारी रहेगा और मुख्तलिफ वजारतें डिवीजन जो हैं जिनको ज़म किया जा रहा है उनके मुलाजमीन जो हैं आज भी सरापा एहतजाज रहेंगे।